राजद ने अपनी मानसिकता जाहिर किया है, देश की जनता और बिहार की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को 24 और 25 में बंद करने का काम। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं है, अपराधी तांडव कर रहे हैं और नीतीश कुमार चैन की नींद सो रहे हैं। यह किसी और का नहीं कहना है बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है। बता दें कि जिस तरह से इन दिनों बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही है और सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन सवाल के घेरे में है, ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सम्राट चौधरी आगे क्या कुछ कह रहे हैं आप पूरी बात ने अपनी मानसिकता जाहिर किया है, देश की जनता और बिहार की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को 24 और 25 में बंद करने का काम करें। आज कांग्रेस ने भी प्रतिरोध मार्च निकाला है, जेडीयू भी अनशन पे भी बैठने, ये स्वाभाविक है। ये लोग राज सत्ता में 18 साल से हैं, तो 18 साल में जो राज भोगा है थोड़ा सा उपवास कर रहे हैं तो शरीर थोड़ा ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं, भारत की बात करनी चाहिए, ये पार्टी की चर्चा नहीं है, ये भारत का संविधान है और 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव का ये एक इमारत है और इस इमारत का जो खिलाफ कर रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि वो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह का लॉन्ड ऑर्डर पूरी तरह फेल्योर हुआ है बिहार में, अपराधी तांडव कर रहे हैं और नीतीश बाबू आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, मतलब एक ही गांव में कई हत्या हो रही है, कुछ नहीं हो सकता। अब नीतीश कुमार जी से ही मुक्ति के बाद बिहार में अपराधी शांत हो सकते हैं, क्योंकि ये तो अपराधी छोड़ने वाली सरकार है, यहाँ अपराधी को संरक्षण देने का काम नीतीश बाबू कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि या तो अपराधी को जेल में बंद करो, नहीं तो जमीन के अंदर ताबूत में उसको बंद करने का काम करो। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, कल नीति आयोग की बैठक हुई, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि वहां थे, उसके बाद कई वाईएसआर पार्टी के अध्यक्ष वहां थे, कई लोग थे और लगभग मात्र 7-8 मुख्यमंत्री, उसमें कई तो बीमार थे इसलिए नहीं गए, कहीं ओत हो रहा था इसलिए नहीं गए, लेकिन जो पार्टी राजनीति कर रही है ये दुर्भाग्य है कि जिस बिहार के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि यदि सेकेंड हाफ में यदि वहाँ बैठक होती तो मैं जाता, तो पहले हाफ में कौन काम था आपको? एक ही काम था ना, कि पंडित नेहरू जी के मल्यार्पण करने थे उनके मूर्ति के सामने, तो ये तो 9 बजे के पहले भी कर सकते थे। नीतीश कुमार बिहार के विकास के विरोधी हैं, इसलिए नीति आयोग में नहीं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा, बता दें कि यही नहीं, उन्होंने नए संसद भवन का को लेकर के भी उन्होंने बातें कही और कहा कि जो विरोधियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, विपक्षों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, वह भारत को तोड़ने का काम करते हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि इसका पलटवार महागठबंधन की ओर से किस प्रकार से किया जाता है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।